हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनूज लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फेस वाइटनिंग फेस पैक, और ये DIY फेस पैक है। इसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। PCOD की वजह से मुझे कुछ स्पॉट्स पिंपल वगैरह हो गए थे, जिसके वजह से स्पॉट्स रह गए थे पिंपल होने की वजह से। तो मैं ये रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ, तो मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसे ही नहीं, कुछ और भी DIYs यूज़ करती हूँ, वो मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं वही शेयर करूँगी जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ये बेसन। ये 1 से 1.5 चम्मच बेसन है, मैंने मेरे फेस के अकॉर्डिंग लिया है। तो एक बेसन, चाहिए नींबू, तो मैं 5-6 ड्रॉप नींबू का रस लूंगी। उसके बाद चाहिए मुझे 1 चम्मच के लगभग मैं शहद लूंगी। इसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल, ये पतंजलि का गुलाब जल है, आप जो ब्रांड यूज करते हैं आप उसे ले, तो मैं इसे थोड़ा सा डालूंगी। इसके बाद इसे मैं मिक्स कर दूंगी, मैं हाथों से ही कर लूंगी। आपको अगर ब्रश यूज करने की आदत है तो आप फाउंडेशन ब्रश या फेस पैक ब्रश जो आता है आप वो यूज कर ले। मैंने अपना फेस अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन कर लिया है। रिसेंटली मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंपल्स आए थे मैंने बताया, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक वेट वाइप से दिखा देती हूँ कि मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। लिप बाम मैंने लगाया है और काजल लगाया था, तो वो थोड़ा बहुत रह गया है। देख सकते हैं आप कैमरे के सामने है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था अपने फेस पे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी, तो थोड़ा मुझसे गीला हो गया, आप लोग थोड़ा और गाढ़ा रख सकते हैं, तो मैं इसे अपने हाथों से ही लगा लूंगी। बालों को टाइट कर ले, मैंने नहीं करा था, पीछे कर लेती हूँ मैं। इसमें नींबू है, नींबू जो आपके स्पॉट्स को लाइट करेंगे और जो भी टैन वगैरह होगा उसे निकाल देंगे। और बेसन तो बहुत ही अच्छा स्क्रब, फेस वाइटनिंग सबके लिए काम आता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी जानते हैं दादी नानी के ज़माने से यूज़ होता रहा है। शहद स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करेगा, विंटर्स में शहद बहुत ज़रूरी होता है और फाइन लाइन्स आने से रोकता है, तो ग्लो भी लाता है, तो शहद भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे बहुत अच्छे से फेस में लगा लें, आप देखें मैंने लगा लिया है, नेक पर भी लगा लें। हल्दी मैंने नहीं डाला है, मैं हर रेमेडी में हल्दी यूज नहीं करती हूँ, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, पर कस्तूरी हल्दी, मार्केट की कलर वाली हल्दी नहीं। ये पूरा खत्म हो गया, मैंने उतना ही बनाया था जितना मुझे, आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा लगा लिया है। और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए अपने फेस पे रखूंगा, लगभग 15 से 20 मिनट में ये सूख जाता है, तो ये सूख जाएगा। मैं हल्का हल्का सा नोज के पास
अच्छा से थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ड्राई होने के बाद करूँगी। फिलहाल मैं इसे रेस्ट दूँगी 20 मिनट के लिए ताकि ये सूख जाए अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे इसे सूख जाने के बाद। आप देख सकते हैं आधा मेरा फेस पैक सूख चुका है। अभी विंटर्स हैं तो फेस पैक को ऐसे भी किसी भी सीजन में फेस पैक को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया जाता है। तो जितना मेरा हुआ है, मैं 20 मिनट करीब हो चुके हैं, तो मैं इतना ही में मैं इसे हल्के हाथों से रब करके और अब वॉश करूँगी। आप लोग भी ऐसा ही करें, बहुत ज़्यादा ना सूखने दें और उसके बाद हल्के हाथों से रब करते हुए, एकदम हल्के हाथों से, नोज़ एरिया, टी जोन एरिया स्पेशली जहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हल्का हाथों से रब करते हुए और उसके बाद वॉश कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसे वॉश करने के बाद। वॉश करके आ गई हूँ मैं और डैप टैप करके इसे सुखा लें। देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है, क्लीन दिखने लगा फेस। मैं DIY ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ आप लोगों को भी DIY, तो आप कर सकते हैं। मेरे पास घर में टाइम होता है थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल होता है। घर की चीज़ें जो हमारे घर पे होती हैं बस उसी से हो जाता है। तो ये जो एक रह गया है ये बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत लाइट हो गए, दिखेंगे नहीं आपको, पूरा फेस मेरा भर गया था पिंपल से और उसके स्पॉट से। तो मेरे घर के DIY से ही मैंने ये सब कुछ रिमूव किया है, बहुत लाइट किया है इन सबको। तो ये मैं वन बाय वन आप लोगों को बताती जाऊंगी। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं कि ये कैसे भी ठीक हो जाए पहले तो, और उसके बाद फिर ये लाइटन हो जाए। तो पिंपल्स ना आए इसके लिए तो मैंने रेगुलर बेसिस पे जो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे PCOD के लिए, तो वो मैंने खाए। और PCOD से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत हेयर फॉल हुए, पिंपल्स बहुत आ गए थे, स्किन बहुत ड्राई, डैमेज, डल हो गई थी। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ था, अचानक से ऐसा हो गया था। उससे पहले मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग और काफ़ी अच्छी थी, बट धीरे धीरे वापस आ रहा है मेरे स्किन का टेक्सचर क्योंकि मैंने केयर करा। तो आप लोग भी प्लीज़ केयर किया कीजिए जिससे कि आप लोगों की स्किन भी अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे और अच्छी दिखे। बहुत कहीं भी आप जाएं तो आप चमके, अच्छी दिखे आप लोग। तो आप लोग भी कीजिए और इसे करके ज़रूर देखिएगा। अगर सिर्फ इसे ही यूज़ करना है तो ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप लोग इसे कर सकते हैं। हालांकि मैं रोज़ कोई ना कोई फेस पैक ज़रूर लगाती हूँ, तो मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या करा है और कैसे कैसे करा है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप लोगों प्लीज़ मेरी भी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस फेस पैक को मुझे यूज़ करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे आपको, इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसके रिजल्ट से, तो आप लोग भी यूज़ करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।